वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्च्यून। इस वीडियो में बात करने चाह रहे हैं प्राग सीसी वर्सेस प्राग स्पार्टन्स T10 मैच, जो कि अब से कुछ ही देर में खेला जाएगा। सोचा जल्दी से एक छोटी वीडियो बना दूं, क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं, बड़ा मैच है, सो इससे आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। सो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि और बेल आइकन दबा देना है, क्योंकि वीडियोज जो है T10 की मैं काफी एंड टाइम पर भी डाल देता हूँ लाइनअप के बाद, क्योंकि चेंजेस काफी होते हैं। सो बेल आइकन आप प्रेस करते हो, सो जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमें हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, फैंटेसी फॉर्च्यून के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसी के थ्रू जुड़िएगा। बहुत सारे फेक चैनल्स हैं, तो सर्च करके ना जुड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसी के थ्रू जुड़ना है। अगर हम बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन में, हमारे पास भाटिया, अहमद और मेहता हैं। भाटिया ओपन कर रहे हैं, साथ ही साथ एक अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, और पिछले कुछ मैचेस में अच्छे टच में भी हैं, सो मैं उनके साथ जा रहा हूँ। यहाँ पर हिलाल अहमद हैं, जो प्लेयर अच्छा है लेकिन ये सीजन बहुत अच्छा नहीं गया, और इस मैच में हाई चांसेस हैं कि वो ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि रामाकृष्णन जो है वो टीम में खेल रहे हैं ये वाला मैच। सो हिलाल अहमद को नीचे शायद खिलाया जाएगा। वी मेहता मैं ग्रैंड लीग में ही रिकमेंड करूंगा। अगर हम बात करें यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में, अशोकन है, अशोकन आपकी टीम में होने ही होने चाहिए, सो ये कैप्टन है। साथ ही साथ ये आपको बॉलिंग भी दे सकते हैं, इस सीजन कम बॉलिंग करी है, बट सरप्राइज ना होना किसी भी मैच में दो ओवर कर जाएं तो, और ओपन करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, इन्हें स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में बना सकते हो। वेंकटा स्वामी प्लेयर अच्छा है इनका, लेकिन डाउन कन्फर्म नहीं रहता, ओपन भी करवा सकती है टीम और सेकंड डाउन भी आ सकते हैं, बट प्लेयर अच्छा है, ठीक है, सो इनको आप ले सकते हो। यहाँ पर जग्गा निवासन है, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो आपको हर मैच में कुछ ना कुछ पॉइंट देता है। अगर आप देखो 33, 24, 21, 22, 19, 13, सो भाई ये प्लेयर आप इनमें से किसी एक को ले सकते हो, चाहो तो दोनों को भी लिया जा सकता है। रामाकृष्णन ये वाला मैच खेल रहे हैं, धीरे धीरे इनका सिलेक्शन बढ़ रहा है, हाई चांसेस हैं, ओपन करेंगे। स्टार्टिंग के मैचेस खेले थे, ओपन कर रहे थे और आपको ठीक ठाक अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी। देखो इतने मैचेस नहीं खेले और, लेकिन जो दोनों मैच खेले उनमें अच्छा परफॉर्मेंस देकर गए थे, सीनियर खिलाड़ी हैं, सो भाई एक अच्छा प्लेयर आपके लिए रहेगा। ग्रैंड लीग में अगर कुछ अलग रिस्की ट्राई करना है, सो इन्हें कैप्टन बना सकते हो। डी ठाकुर कोई खास पिक नहीं सजेस्ट करूंगा। ए परमार ऐसा खिलाड़ी है जो पिछला मैच खेला था, बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं मिली, बट भाई ये अच्छा प्लेयर है, आपको किसी भी मैच में सरप्राइज कर सकता है, बट स्मॉल लीग में इतना रिकमेंड नहीं करूंगा। ग्रैंड लीग में बिल्कुल आप इन्हें एज अ नॉर्मल प्लेयर ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में, बाकी कोई नहीं है। यहाँ पर अभी हम अभी के लिए हम वेंकटा स्वामी को ले रहे हैं। यहाँ जग्गा निवासन प्लेयर अच्छा है भाई, सो ध्यान रखना है, ये ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास विक्रमा सिंगा है, ये तो लेना ही लेना है। सो यहाँ पर इनका ये देखो, ये ना बेस्ट खिलाड़ी होंगे टूर्नामेंट के, 20-10, 20 बोलते हैं, छक्के लगाते हैं बहुत लंबे लंबे, लेकिन और बॉलिंग भी बहुत शानदार करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, स्टार्टिंग के ओवर्स डाल जाते हैं कभी कभी तो विकेट नहीं मिलते, और बैटिंग क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर अच्छा है, सो कभी कभी बैटिंग भी थोड़ा सा मिस हो जाती है, किसी मैच में ना भी आए बट वन डाउन करते हैं, और ये अगर 10 से 15 बॉल खेल जाते हैं तो 50 बना सकते हैं भाई, ध्यान रखना है, 15 बॉल पे 50 वाला खिलाड़ी है, सो कैप्टन की बेस्ट चॉइस रहने वाली है। हाँ, सेन गुप्ता एक और कैप्टन चॉइस रहने वाली है, ये दोनों प्लेयर बेस्ट चॉइस होंगी इस मैच की कैप्टन वाइस कैप्टन की, और मेजॉरिटी लोगों का यही कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। सैन गुप्ता दो ओवर करते हैं और ओपन करते हैं, सो भाई प्लेयर अच्छा है, देख रहे हो पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे देके आए हैं, सो बेस्ट प्लेयर रहेंगे। पटेल की बात करें, सो भाई हर मैच में ऑलमोस्ट विकेट ले रहे हैं, ठीक है, सो एक अच्छी चॉइस ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की इन्हें बना सकते हो। यहाँ पर त्यागी हैं और मेहता है, आपको डिसाइड करना होगा कि यहाँ पर आप जग्गा निवासन को लेना चाहते हो, त्यागी को या मेहता को। त्यागी अपने अपनी टीम के लिए दो ओवर करने ही वाले हैं, साथ ही साथ आपको एंड में बैटिंग भी करके दे देते हैं और थोड़े बहुत चौके छक्के लगा सकते हैं, ज़्यादा बैटिंग से उम्मीद ना करना, बट आपको 10-12 रन बना के दे सकता है और साथ में साथ दो ओवर करके देगा। के मेहता भाई फील्डर भी अच्छा है, साथ ही साथ आपको स्पिन बॉलिंग करके देता है 1 से 2 ओवर, लेकिन ये जिस तरीके का स्पिनर है ये विकेट्स निकाल लेता है, सो आपके लिए बहुत अच्छा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। सो मैं यहाँ पर के मेहता ले रहा हूँ, ये थोड़ा डिफरेंशियल पिक रहेगी। यहाँ पर जग्गा निवासन अच्छा ऑप्शन है और यहाँ पर त्यागी को भी बिल्कुल आप अपनी टीम में ले सकते हो। यहाँ पर मेंडन है, प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन इसी इनकी टीम से कोई चांस मिल ही नहीं रहा है, लेकिन ग्रैंड लीग में अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, स्मॉल लीग में रिकमेंड नहीं करूंगा। ए आ रहा है, थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, इसको भी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में आर्या को ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी ये बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर हम बात करें हसन सितार की, सो भाई ये तो आपकी टीम में होने चाहिए, क्योंकि बॉलिंग सेक्शन से बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं है इस मैच में अगर आप देखो तो। सो यहाँ पर जो टॉप 3 पिक्स हैं, अब्दुल्ला,
ठीक है। सो ये तीनों प्लेयर ही बेस्ट रहने वाले हैं बॉलिंग सेक्शन में, तीनों ही अपनी टीम के अच्छे बॉलर्स हैं जो विकेट्स निकालते हैं। यहाँ पर आप अगर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो सो एस रवि जो आपको एक से दो ओवर करके दे सकते हैं, सेलवान हर मैच में बॉलिंग नहीं करते बट किसी भी मैच में दो ओवर भी कर जाते हैं, किसी में बॉलिंग नहीं भी करते, सो ध्यान रखना है। चाहो तो ट्राइबल ऑप्शन है, मनोहर भी ओके ओके ऑप्शन रहेगी। सो यहाँ पर आप इन्हें ना ग्रैंड लीग में ट्राई करो, अगर आपको इन तीनों के अलावा किसी को स्मॉल लीग में ट्राई करना है तो एस रवि को रिकमेंड करूंगा। सेलवान और मनोहर जो है वो थोड़े रिस्की हैं तो स्मॉल लीग में इतना सजेस्ट नहीं करूंगा, बट ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो। सो मेरी जो टीम बन रही है वो ये टीम बन रही है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। सो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर देखो विक्रमासेख को ही दूंगा, और यहाँ पर जो मैं वाइस कैप्टन है वो सेन गुप्ता को ही दूंगा। आप ग्रैंड लीग में इन दोनों को कैप्टन रिवर्स कर सकते हो, इवन स्मॉल लीग में भी कर सकते हो, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का कैप्टन जैसा मैंने आपको बताया ड्रॉबैक जो है विक्रमासेख का, सो वो यही है कि कभी कभी बैटिंग जो है वो पूरी नहीं मिलती और स्टार्टिंग के ओवर करते हैं सो उसमें कई बार विकेट्स नहीं निकलते, और यहाँ पर सेन गुप्ता का फायदा ये है कि ओपन करते हैं और ये एक ऐसी टीम है जो सेन गुप्ता पर रिलाय थोड़ा बहुत करती है, सो ओपन भी करेंगे, आपको एंड के ओवर्स डालेंगे, सो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्मॉल लीग में अगर थोड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मैं जो है इसी ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ, विक्रमासेखरा जो है कैप्टन है, सेन गुप्ता जो है वाइस कैप्टन है, सो ये मेरी टीम रहेगी। सो मैं इस टीम के साथ मैं जो है खेलने वाला हूँ स्मॉल लीग। वैसे मैच कवर कर नहीं रहा था बट बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि ये वाला मैच जो है कवर करो, सो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो जल्दी से बना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी हेल्प मिली होगी। ग्रैंड लीग में आप जो है के मेहता को ट्राई कर सकते हो एज अ वाइस कैप्टन, ए अशोकन कैप्टन को ट्राई कर सकते हो, पटेल को कैप्टन ट्राई कर सकते हो, ये प्लेयर हैं, और कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है सो भाई रामकृष्णन को कैप्टन बना के बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हो ग्रैंड लीग में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है सो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा दो जिससे आपको जैसी वीडियो है नोटिफिकेशन मिल जाए, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ फैंटेसी फॉर्च्यून के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू गाइज़।